अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुबैरा उबैद है। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ेंगे डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। उसमें मैं आपको कुछ उसके बेनिफिट्स और कुछ उसके चैलेंजेस बताऊंगी। तो पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास डाइवर्सिटी होती क्या है। डाइवर्सिटी जो है वो हमारे पास कोई भी सिमिलैरिटी या डिफरेंस होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान, ठीक है जी। जैसा कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिफरेंट वर्कर्स को लेके चल रही होती है, तो अगर वर्कर्स को देखा जाए तो हर वर्कर जो है वो दूसरे से किसी ना किसी हद तक सिमिलर भी होता है, किसी ना किसी हद तक डिफरेंशिएट भी कर रहा होता है, ठीक है जी। ये वो वेज होते हैं, डाइवर्सिटी जो है वो वेज को डिस्टिंग्विश करती है कि एक वर्कर किस हद तक दूसरे वर्कर से सिमिलर है या फिर डाइवर्स है या फिर डिफरेंट है, ठीक है जी। डाइवर्सिटी हमारे पास जो है वो एज की बेस पे हो सकती है, रेस की बेस पे हो सकती है, कल्चर की बेस पे हो सकती है, रिलीजन की बेस पे हो सकती है, एक्सपीरियंस की बेस पे हो सकती है, या फिर हमारे पास मेल फीमेल की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जेंडर की बेस पे हो सकती है, या फिर हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं डाइवर्सिटी के और चैलेंजेस क्या होते हैं डाइवर्सिटी के। जब हम बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं डाइवर्सिटी के बेनिफिट्स के बारे में, तो सबसे पहला बेनिफिट हमारे पास ये होता है कि डाइवर्सिटी जो है वो हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी को जनरेट करती है। वो किस तरह से है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल को लेकर चलती है, ऐसे लोग जिनको जो डाइवर्स हों एज में, एक वर्कर की एज जो है 20s में है, एक जो है वो मिड 40s में है, एक 50s में है, ठीक है जी, और कुछ मेल्स हैं कुछ फीमेल्स हैं, तो ये क्या हो गया, एज की बेस पे डिफरेंशिएट हो गया और जेंडर की बेस पे हो गया, यानी इस ग्रुप में एज डाइवर्सिटी हो गई और जेंडर डाइवर्सिटी हो गई। तो ऐसा ग्रुप जिसमें डाइवर्सिटी हो वो हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी जनरेट करता है। वो किस तरह से है कि डिफरेंट जब ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो अरेंज होंगे और एक वो अरेंजमेंट बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, तो हर किसी के पास एक डिफरेंट आइडिया होगा, एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होगी, डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं वो कंबाइन होंगे, तो एक अच्छी डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रोसेस होगा, एक अच्छा डिसीजन किया जाएगा, एक अच्छा प्रोजेक्ट किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छा वर्क करेगी, बिहेवियर जो है वो एक अच्छा होगा और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज अ होल भी अच्छा होगा और उसका इफ़ेक्ट भी वर्कर्स पे भी अच्छा होगा, मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी। तो डाइवर्सिटी जो है वो हमारे पास हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी जनरेट करेगी, ठीक है जी। सेकेंड नंबर पे आता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स। जब एक हमारे पास जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ये सारी बेसिस पे एज, रेस, कल्चर, रिलीजन, जेंडर, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें और भी कई टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी को देख के जब अपने एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको हायर करती है, तो फिर क्या होता है, चूँकि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो देख के हायर किया होता है और वो उनकी डाइवर्सिटी को देख रहे होते हैं, उनको अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं, तो यही मैनेजमेंट जो है उनको कस्टमर मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने एम्प्लॉयज़ की डाइवर्सिटी को अच्छे से समझती है वो अपने कस्टमर्स की डाइवर्सिटी को भी अच्छे से समझ सकती है और उनकी नीड्स को और डिमांड्स को एक अच्छी तरह समझ के और फिर अच्छी तरह डील करती है, और क्या होता है कि कस्टमर अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी होती है, ठीक है जी। उसके बाद क्या हो जाता है कि मोर सेटिस्फाइड वर्क फोर्स जो है वो क्रिएट होती है। वो किस तरह से क्रिएट होती है, जब एक डाइवर्स ग्रुप होगा, मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, डिफरेंट कल्चर से ले रहे होंगे, डिफरेंट एज ग्रुप्स के होंगे। अब जाहिर है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक ही एज ग्रुप को लेके या एक ही जेंडर को लेके या एक ही एनवायरनमेंट को लेके तो नहीं चलती, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हैं वो एम्प्लॉयज़ हायर उन्होंने किए होते हैं, तो एक अच्छा वर्कफोर्स जो है वो क्रिएट हो जाता है। उनको पता चलता है ऑर्गेनाइजेशंस को कि डिफरेंट जो कल्चर से आए हुए लोग होते हैं उनकी क्या नीड्स होती हैं, क्या बेसिस होती हैं। जब वो डाइवर्स ग्रुप अपने एम्प्लॉयर्स में रखते हैं तो वर्कफोर्स जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, डिफरेंट माइंड्स जनरेट होते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट होते हैं क्रिएटिविटी की बेस पे, और
अच्छे कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बेस पे वर्कफोर्स भी और अच्छी जनरेट हो जाती है, अच्छी वर्कफोर्स जनरेशन की बेस पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज अ होल अच्छा हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क कर पाती है और अच्छे अच्छे आइडियाज़ जनरेट कर पाती है। ठीक है जी, हाई स्टॉक प्राइसेस कैसे होती हैं हमारे पास, ये एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी डाइवर्सिटी को लेकर चलती है अपने एम्प्लॉयज़ को तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा उनका रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। वो जज कर सकते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वाले के हमारे जो कस्टमर्स हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं। ठीक है जी, वो इस तरह से है कि डिफरेंट जब उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डिफरेंट लेवल ऑफ उनका परसेप्शन होता है, डिफरेंट एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रिलीजन से भी समटाइम्स होते हैं, तो क्या होता है कि वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं और उनको बहुत अच्छे से रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो क्या होता है कि कंपनी अच्छी जॉब करती है, मार्केट वैल्यू बढ़ती है, तो हाई प्राइसेस जो हैं वो जनरेट होती हैं और मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, स्टॉक एक्सचेंज में जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद हम लो लिटिगेशन चार्जेस बेसिकली लिटिगेशन हम कहते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में जो प्रोसीजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के उनको, लाइक आप इसको ऐसे समझ लें हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी ना किसी लेवल पे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को जवाबदेह होती है, आंसरेबल होती है। तो अगर कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई इशूज़ हो जाते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसने डाइवर्सिटी को कंसिडर करके अपने एम्प्लॉयज़ को हायर किया होता है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को फिर क्या होता है कि लो जो कोर्ट चार्जेस होते हैं वो किस बेस पे, वो इस बेस पे कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट लोगों को हायर करेगी और वो तो जो ऊपर अथॉरिटीज़ होंगी उनको भी ज़ाहिर है कि पता होगा कि डिफरेंट लोग हैं, उनके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो इनको डिफरेंट तरीके से जो है वो ट्रीट किया जाना चाहिए, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो कोई रोल नहीं है और लोग जो हैं वो अच्छे से आपस में मैनेज कर रहे हैं, तो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो जाएगी तो जो हायर अथॉरिटी है या जो लिटिगेशन फोर्सेज हैं वो इतना ज़्यादा चार्ज और इतनी ज़्यादा डिमांड जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से नहीं कर सकेंगी। वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगी और ऑर्गेनाइजेशन को इस बात का मार्जिन दे देंगी कि अगर अब गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को थोड़ा सा रिकवर करके हमें बेनिफिट दे देगी। हाई कंपनी परफॉर्मेंस जो है ये हमारे पास क्रिएटिविटी के पॉइंट से ऑब्वियसली रिलेट कर रही है। आप देख सकते हैं वो इस तरह से कि जब डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल जो हैं वो वर्क करते हैं तो अच्छे आइडियाज़ वो जनरेट करते हैं, एक बंदे ने कुछ कहा और दूसरे इंसान के माइंड ने उससे कोई और पॉइंट जनरेट किया तो ये एक अच्छा लूप डिवेल्प हो गया, ये अच्छा लूप डिवेल्प हो गया तो कंपनी की परफॉर्मेंस एज अ होल अच्छी हो गई, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई तो ऑर्गेनाइजेशन का एज अ होल बिहेवियर अच्छा हो गया, आपस में अपने एम्प्लॉयर्स के साथ भी एम्प्लॉयज़ के साथ भी बिहेवियर अच्छा हो गया, तो ये सारे बेनिफिट जो हैं वो मिल जाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हमारे पास एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और जो कंपनीज जो एम्प्लॉयज़ हायर करती है उनकी डाइवर्सिटी से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब हमने बेनिफिट्स देख लिए, अब हम आते हैं चैलेंजेस की बेस पे। चैलेंजेस क्या होते हैं कि जब कोई भी कंपनी जो है वो डाइवर्सिटी के ग्रुप में जाके और डाइवर्सिटी को देख के एम्प्लॉयज़ को हायर करती है तो डाइवर्स लेवल पे जहाँ कुछ फ़ायदे होते हैं वहाँ कुछ बहुत बड़े बड़े नुकसान भी हो जाया करते हैं कंपनीज़ को। सबसे पहला क्या है कि सिमिलैरिटी अट्रैक्शन फिनोमिना, ये क्या है कि जब डाइवर्स ग्रुप्स होते हैं तो वो एक ग्रुप के अंदर जो एक सब ग्रुप होता है वो अपनी तरह के एलिमेंट्स को जो है वो अट्रैक्ट करता है। जैसे ये एक हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये एक सब ग्रुप है, ये डाइवर्स ग्रुप है। अब इसमें अगर एक मेल्स का ग्रुप है एक फीमेल्स का ग्रुप है तो मेल्स का ग्रुप जो है वो ऑब्वियसली मेल्स के ग्रुप को अट्रैक्ट करेगा, फीमेल्स का जो ग्रुप है वो ऑब्वियसली फीमेल्स के ग्रुप को अट्रैक्ट करेगा, मेल टू मेल ओपिनियन जो है वो सेम होगी, फीमेल टू फीमेल ओपिनियन जो है वो सेम होगी। तो क्या होगा कि एक ग्रुप के अंदर ही ग्रुप बन जाएंगे जिस वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो समटाइम्स ख़राब हो जाएगी, या क्या होगा कि वो ग्रुप्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट जनरेट करके कंपनी की परफॉर्मेंस को जो है ख़राब करना चाहेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू को समटाइम्स ख़राब करना चाहेंगे, या अगर उनके कुछ ग्रजेस होंगे आपस में तो ये चीज़ भी उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगी।
फॉल्ट लाइंस क्या होती हैं? फॉल्ट लाइंस हमारे पास वो इश्यूज होते हैं जो कि एक ग्रुप में फर्दर जिन क्राइटेरियाज पे ग्रुप्स बनाए जाते हैं। जैसा कि अगर एक मेल्स का ग्रुप है तो मेल्स के ग्रुप में किसी की एज जो है वो 20 प्लस होगी, किसी की 40 प्लस होगी, कोई जो है वो अर्ली 40s में होगा। तो आप क्या करेंगे कि एक फॉल्ट लाइन की बेस पे ग्रुप बना लेंगे कि जो 40 प्लस के लोग हैं वो एक ग्रुप में रख देंगे, 40 के जो लोग हैं वो एक ग्रुप में रख देंगे, जो 20s के हैं वो एक ग्रुप में रख देंगे। तो जो ये हमने क्राइटेरियाज बनाए हैं इनको हम फॉल्ट लाइंस कहते हैं। इसी तरह आप फीमेल्स में भी ग्रुप्स बना सकते हैं या आप एक्सपीरियंस की बेस पे भी फॉल्ट लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, फॉल्ट लाइंस क्रिएट करके क्या होगा कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो है कंपनी को बहुत ज़्यादा हाई रिस्क सिचुएशन जो है प्रोवाइड कर देती है। जब आप इतनी ज़्यादा सब ग्रुपिंग कर लेते हैं तो क्या होता है, एक जो कोहिजन होती है, एक बॉन्ड जो होता है एम्प्लॉयज़ के दरमियान, वो टूट जाता है, वो ब्रेक हो जाता है और एज अ होल जो है वो कंपनी की जो है परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, और उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है और उसको पे करना पड़ता है और एज अ रिज़ल्ट सम एम्प्लॉयज़ को निकालना भी पड़ता है और दोबारा से हायरिंग में हो सकता है कि और भी ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप बन जाएँ। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही ख़राब एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? स्टीरियोटाइप्स हमारे बेसिक बिलीव्स होते हैं अबाउट अ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल। अब ये बिलीव जो हैं वो हमारे अपने एक्सपीरियंस की बेस पे भी बिलीव कर रहे हो सकते हैं या फिर हमारे कोई ओल्डर जनरेशन के जो लोग होते हैं, जैसे आपको पता है कि जनरेशन टू जनरेशन भी वास्ट चीज़ें वास्ट ट्रेंड्स चलते हुए आ रहे होते हैं, ये बिलीव उस सिस्टम से भी रिलेट कर रहे होते हैं, ये बिलीव दूसरों के बिलीव से भी रिलेट कर रहे होते हैं, ये आपके फैमिली से भी रिलेट कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्टी बिलीव्स होते हैं जो कि आपने स्टीरियोटाइप्स बनाई होती हैं। अब जैसे एक एम्प्लॉयर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक एम्प्लॉयर है, उसने रिक्रूटमेंट्स करनी है। अब अगर उसका ये बिलीफ है कि जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादा असर्टिव होते हैं तो वो मैनेजमेंट पोजीशन के लिए एक मेल को हायर कर लेगा, जबकि हो सकता है कि वो पोजीशन ये डिमांड कर रही हो कि एक फ़ीमेल को हायर किया जाए। तो इससे क्या होगा कि उसका स्टीरियोटाइपिंग बिलीफ जो है उसकी कंपनी की परफॉर्मेंस को ख़राब कर देगा, उसकी हायरिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी और वो जो मेल जो है वो हायर करेगा चूंकि उसको उस बिलीफ पे हायर किया गया होगा तो वो उसी बिलीफ सिस्टम को ही लेके चलेगा और इस डिमांड को भूल जाएगा कि मेरी जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है, जो मेरा जॉब डिज़ाइन है, वो मुझसे क्या मांग रहा है। वो इसी तरह स्टीरियोटाइपिंग सिस्टम चलाएगा और वो फॉल्ट लाइंस को भी क्रिएट कर देगा और सिमिलैरिटी अट्रैक्शन को भी क्रिएट कर देगा। तो ये तीनों चैलेंजेस आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं, कोई भी एक क्रिएट होगा तो दूसरे तीसरे भी क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि स्टीरियोटाइपिंग भी हर ग्रुप में होती है, फॉल्ट लाइन भी हर ग्रुप में होती है, सिमिलैरिटी अट्रैक्शन भी हर ग्रुप में होती है। तो ये थे आज के लेक्चर में कुछ बेनिफिट्स और चैलेंजेस। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को इसके कुछ और भी इश्यूज़ बताऊँगी डाइवर्सिटी के। थैंक यू।